भिवंडी के शांतिनगर पुलिस स्टेशन को मिली बड़ी कामयाबी। 22 चोरी के मामले की गुत्थी को सुलझाकर 5 आरोपियों को किया गिरफ्तार। डीसीपी योगेश चौहान ने शांतिनगर पुलिस के आला अधिकारी और इस गुत्थी को सुलझाने वाले सभी पुलिस अफसर के कार्य की प्रशंसा। मुंबई के हिस्टोरिक इस्लाम जिम खाना क्लब के एडवोकेट यूसुफ अब्राहनी, पूर्व विधायक MHADA के चेयरमैन के हाथों से नवाब ढाबा को आइकॉनिक ब्रांड ऑफ द ईयर अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया। भिवंडी शहर के कामत घर परिसर में तड़ाली रोड स्थित एक मोबाइल दुकान की पिछली दीवार तोड़कर लाखों रुपए के मोबाइल फोन चोरी हो जाने की घटना सामने आई है। दुकान में चोरी की सूचना मिलने पर दुकानदार वेंकट रामन्यम मेघजी ने नारपोली थाने में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ चोरी का मामला दर्ज कर लिया है। शिवसेना के एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे गुट के अलग होने और शिंदे के नेतृत्व में महाराष्ट्र में नई सरकार की गठन से जुड़ी सभी मामले पर सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनवाई। खत्म किया जा सकता है 12% वाला GST का स्लैब, मंत्रियों का समूह कर सकता है सिफारिश। हॉस्पिटल्स के बेड या ICU में GST नहीं लगेगा, 5,000 या उससे ज्यादा वालों कमरों पर होगी दरें लागू। महंगाई पर राज्यसभा में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, पूरी दुनिया में आर्थिक उथल पुथल मची हुई है, महंगाई दर कम रखने की कोशिश जारी। दिल्ली एयरपोर्ट पर 15 लाख रुपए की विदेशी करेंसी बरामद, पापड़ के पैकेट्स में बैंकॉक से लाई जा रही थी करेंसी। आजादी के अमृत महोत्सव के बीच दिल्ली में आज तिरंगा मार्च, लाल किले से विजय चौक तक BJP सांसदों ने निकाली बाइक रैली। उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती में स्कूल के बच्चे तैयार कर रहे हैं 500 मीटर लंबा तिरंगा। हर घर तिरंगा योजना के लिए बच्चों में दिखाई दे रहा है जोश। यूपी के लखमपुरी में घर के चार पाई के नीचे से निकला मगरमच्छ, इलाके में मची हड़कंप।